क्या हाल है? टूट गया टूट गया भाई, छोड़ दे, टूट गया यार, हट जा भाई, भाई टूट गया, छोड़, टूट गया, छोड़, हट, टूट गया, टूट जान दो आज तो भाई, टूट जाएगा, हट जा, छोड़ दे, सच में टूट जाएगा। कहाँ टूट गया, मजाक ही तो कर रहा था यार, टूट जाएगा, छोड़ दे, छोड़, इभी नहीं छोड़ दूँ मैं, छोड़, छोड़, इभी नहीं छोड़ दूँ, अरे क्या कर रहा तू, अब मजाक ही तो कर रहे संजीव भाई, मजाक मजाक में हाथ टूट जा रहा, समझ गया के, ऐसी मजाक ना करते हम, अरे ऐसी मजाक नहीं करते, ऐसी मजाक में तो रोड़ो है आजकल, कहीं ना होता, कहीं ना होता, जो उसका हाथ टूट गया, याद आ तो रहा है किसी किसी की मजाक करने की फालतू, समझ गया के, अरे यार मजाक एक दिन जान लेकर जा किसी की, नू मजाक नहीं करा करते किसी के साथ, अगर मैं ऐसी मजाक कहाँ करूँ, मरना तो ऐसी मजाक कहाँ करे, पर यह आदत हो जाए किसी किसी की जाते मजाक करने की, समझ गया, अरे एक दिन यह मजाक तेरा बहुत बुरा अंजाम करके रहेगी, अरे तू अपना काम कर, चल ज्यादा भाषण ना देवे, ठीक है आ जा, पता नहीं कहाँ कहाँ आते भाषण देने लगे। नमस्कार जी। नमस्कार बेटा, बैठो। हाँ हाँ नमस्कार जी, मैं आपके घर पर ही बैठा हूँ, आपकी मम्मी के सामने, क्या कह रही थी आप, लो बात करो। हेलो पूजा। हेलो मम्मी, कौन है ये, क्या कह रहा है, मैं तो इसको जानती भी नहीं। बेटा बात क्या है, कुछ पता तो चले, ये तो आया, फोन मिला और मुझे दे दिया। लाइए फोन, आपको जो भी पता करना है यहाँ आ जाओ, जो भी बातें होगी आमने सामने होगी। भाई साहब आप कौन, बता सकते हो आप? अच्छा इतनी जल्दी भूल गई, अब वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ वरना। एक मिनट जरा मेरी मम्मी से बात करा दो, मैं बात करना चाहती हूँ। बात जगह हिसाब से करना। हाँ बेटी। मम्मी इसको बातों में उलझा कर रखना जब तक मैं पुलिस लेकर पहुँचती हूँ। ना बेटा ऐसा मत करना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी डरने की जरूरत नहीं है, मैं पुलिस लेकर पहुंचती हूँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर, कर दिया ना वही काम जिस काम से मैं घिन करता हूँ। हेलो हेलो, आप किस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं? बहुत चालाक बन गए हो ना तुम दोनों माँ बेटी। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं डर गया, दोबारा आऊंगा, जब तेरी बेटी आएगी उससे बात करना आराम से, और हाँ अगर चाहूँ तो अभी काम खत्म, लेकिन जो मकसद है पूरा नहीं होगा, और हाँ तेरी बेटी आएगी मकसद वो तुझे समझा देगी, उससे कह देना ज्यादा उस चाल में पैर मत रखे, ठीक है? पता नहीं कौन था क्या था, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूजा तुम यहाँ? अरे वो माँ अभी घर अकेली है, अभी मैं जल्दबाजी में बाद में मिलती हूँ। मिलना तो पड़ेगा, मिलोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा मेरी जान, आग जो लगाई है जिसमें में मेरे तूने, उसे मिलकर बुझाना तो पड़ेगा ना मेरी जान। हो जाओ माँ, मैं आ गई हूँ ना। तुम जा गए पर वो कौन था? माँ मैं नहीं जानती उसको, मैं खुद अफसोस में हूँ कि मेरे घर पे आके मुझे ऐसी ऐसी बात कर रहा हूँ। तू उसे नहीं जानती? माँ ये आप कैसी बात कर रही हो? बेटी पूजा जानबूझकर अनजान मत बन, जब तू उसे नहीं जानती तो उस पर तुम्हारा नंबर कैसे आया? माँ तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो, मैं तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ मैं उसको नहीं जानती। मत खा मेरी झूठी कसम, मैं तुझ पर कितना विश्वास करती हूँ, तूने तोड़ दिया मेरा विश्वास, तोड़ दिया। माँ तुम अब भी मुझ पर शक कर रही हो, मैं मरे हुए भाई की कसम खा के कहती हूँ मैं उसको नहीं जानती, लेकिन जानकर रहूंगी। नहीं वो कह रहा था हम तीनों में से अगर चौथे को पता लगा ना तो वो कुछ भी कर देगा। माँ कोई हमारे घर पर आए और आकर हमें धमकी दे जाए और हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे? माँ बेटा तू ऐसा कुछ नहीं करेगी,
माँ जाओ जाकर तुम सो जाओ, आराम करो। पूजा आओ बैठो, क्या बात आज कुछ परेशान दिख रहे हो? घर पर कोई लड़का आया था और मम्मी से फोन पर बात करवाई उसने, कुछ का कुछ कह रहा था वो, और जब गया तो चाकू निकाल के धमकी दे के गया कि बात हम तीनों के बीच रहनी चाहिए, नहीं तो। तो क्या? चाकू का दिखाना तो तुम ही समझो अरे, कोई आम आदमी नहीं होगा। तो फिर तुमने क्या सोचा? तुम बताओ मैं क्या करूँ। उसका मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? मैंने जिस नंबर पर उसने कॉल किया, मैंने उस नंबर पर कॉल किया था, लेकिन तभी से उसका फोन बंद आ रहा है। तो फिर एक काम करो पूजा, क्यों ना हम उसके आने से पहले घर पर पुलिस बुला के आते हैं। पुलिस को तो मना किया है। सिविल ड्रेस में पुलिस, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन उसका पता तो नहीं वो कब आएगा। अरे कुछ तो कहा होगा। माँ से बोल रहा था कि जरूर आऊंगा। इसका मतलब मामला सही चल रहा है। ठीक है अरियंत, मैं चलती हूँ। ठीक है पूजा। अब इसकी माँ को फोन करता हूँ। हेलो, कौन? बात हुई क्या? नहीं। कौन बोल रहे हो? इतनी जल्दी बोल गई बुढ़िया, और सो आ रहा हूँ। लेकिन पुलिस, हेलो पूजा। हाँ माँ। बेटी पूजा, उसका फोन आया था, कह रहा था परसों। ठीक है माँ। हरियंत, पूजा तुम? उसका फोन आया था, कह रहा था कि परसों। ठीक है, उसे आने दो, परसों मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर ही रहूंगा। लेकिन हरियंत। लेकिन कुछ नहीं, मुझ पे भरोसा है ना, मैं वहां रहूंगा, लेकिन उसे पता नहीं होगा। ठीक है हरियंत, लेकिन मैं हूं ना, एक्टिंग में। पूजा बेटी आ गई? हाँ माँ आ गई। और ये कौन है? माँ ये मेरा फ्रेंड है। पूजा बेटी, वो आज आने के लिए कह रहा था और तुझसे नहीं, उसे पता लगेगा चौथे के बारे में तो फिर क्या होगा। बैठो। पूजा बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, जो आदमी हमारे घर आकर हमें चाकू दिखाकर चला गया वो। आंटी जी, चाकू दिखाने में और मारने में धरती आसमान का फर्क होता है, और यही बात उसके आने की, मुझे तो लगता है वो आ जाएगा ही नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो आएगा नहीं। पूजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो? अरियंत, ऐसे भी भला कोई मजाक करता है क्या? मजाक मजाक तो पता नहीं पूजा कैसी कैसी हो जाओ। भगवान करे या मजाक ही हो और वो यहाँ आवे ना। ठीक है आंटी जी, अब मैं चलता हूँ, अगर कुछ ऐसी बात होगी तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है आंटी जी। माँ ये तो उसी का नंबर है। हेलो। तुम्हें कहा था ना, ये बात 3 से 4 के बीच में नहीं जानी चाहिए, और आज तुमने वही किया। अपने यार के साथ मेरा इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं, हमने उसे कुछ नहीं बताया, तुम हमें ये बता दो तुम चाहते क्या हो। चाहत तो अब और बढ़ गई है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्या हुआ बेट? माँ वो कह रहा था कि देखो मैं क्या करता हूँ। पूजा रुको माँ, दरवाजा मैं खोलती हूँ, जो ना है वो होके ही रहेगा।
मामा जी। हाँ बेटा पूजा, क्या हुआ? माँ माँ क्या हुआ? माँ माँ बोलो, माँ क्या हुआ? माँ माँ दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी बताओ, ये दीदी क्या हुआ, कुछ तो बोलो दीदी, क्या हुआ? माँ एक बार देख तो लेते कौन है कौन नहीं। माँ एक बार देख तो लेते, ये क्या मतलब? हाँ मामा जी, कई दिन पहले मेरे फोन पे फोन आया था। अच्छा ये बात है, मुझे दे उसका नंबर। मामा जी बात करके फोन स्विच ऑफ कर लेता है। मुझे नंबर तो दे। अरे यार आज तो मैंने फोन स्विच ऑफ भी नहीं करा, तू नंबर तो दे। 9758। हेलो हेलो अरियन, तुम जानते हो तुमने क्या करा? मैंने तो बस मजाक किया था। मजाक? तुम तो मजाक कर रहे थे, तुम्हारी मजाक ने मेरी माँ की जान ले ली। तुम इसे जानती हो? हाँ मामा जी, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। हाँ बेटा यही पढ़ते थे तुम कॉलेज में? मामा जी मुझसे गलती हो गई, मैं आज के बाद किसी से मजाक नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मेरे तुझे माफ करने से मेरी बहन तो वापस नहीं आ जाएगी। अरियंत ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तो अनजान था, मुझे नहीं पता था ये हो जाएगा। मैं तो माफी मांग चुका, अब तुम्हें जो करना है आपको। देखा अरियंत तूने, मैंने तुझे कहा था ना कि कई बार मजाक बहुत भारी पड़ जाती है, लेकिन तूने मुझे क्या कहा था? अरे तू जा, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा ही हुआ था इनके साथ। तो मेरे भाई मजाक भी सोच समझ के क्या करो, कहीं ऐसा ना हो आप भी ऐसी मजाक करो और किसी के साथ ऐसा हो जाए। मैं संजीव जांगड़े डिस्ट्रिक्ट बागपत अपनी टीम के साथ, जय हिंद जय भारत।